थी शॉपिंग करने के लिए, साली जी भी आ गई हमारी यहाँ पर। देखिए क्या क्या लेकर आई है चाचा की बेटी, तो वो आ जाने वाली है फर्स्ट टाइम और बहुत दिनों बाद में मिलने वाला। बहुत कौन सा चाहिए बेटा? ये हमारी डॉक्टर साहिब है। तो गाइस स्पेशल राइड्स के लिए ये लोग भी तैयार हो गए हैं। हे फैमिली, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के प्यारे से ब्लॉग में। शाम का वक्त हो चुका है और गाइज निशा के छत पे हैं, मेरा भी छत है ऐसा नहीं, मतलब निशा का जो घर है तो उसके छत पे। और गाइज पता है इतना अच्छा लगता है ना यार, इतने सारे हरे भरे पेड़ पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूर दूर तक आप जितने भी देखोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो रखा है, घर के अंदर ही लोग करते हैं तो काफी अच्छा लगता है देखने में। और वो कसैली का पेड़, नारियल का पेड़ ऐसा टाइप का लगा के रखते हैं सबके घर के, मतलब घर के ना साइड साइड में लोग लगा के रखते हैं वो कसैली जिसे सुपारी भी बोलते हैं वो, और नारियल का, क्योंकि यहाँ पे बारिश ना बहुत ज्यादा होती है। हाँ, ये तो और है। बारिश जब भी होती है ना तो बादल, मतलब वो गिरते नहीं है बादल फटके करते, हाँ, हाँ। तो वो पेड़ पे ही गिरते हैं ना, तो इसीलिए वो लगा के रखते हैं लोग कि उस पे गिरे घर पे नहीं गिरे, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा लगता है। हाँ। और खास बात पता है गाइस क्या है, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए वहाँ पे गिरा है बादल तो सूख सूख सा गया है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? पता है गाइस एक तो खास बात क्या है ना कि अभी जितना ही अच्छा लगता है देखने में मच्छर भी उतना ही काटता है भाई। नहीं हाँ बाबू यार, बारिश का जो मौसम रहता है ना गाइस, इतने खतरनाक मलेरिया लबेरिया फलेरिया बारिश वाले मच्छर काटते हैं भाई। मच्छर बहुत भयानक काटते हैं, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशंस भी बहुत है, हमेशा स्प्रे होता है यहाँ पे गवर्नमेंट। तो मैं अभी शाम का वक्त हो चुका और खास गाइस पता है क्या बात है कि आपको पता है कि जो डॉक्टर साहिबा है हमारी चाचा की बेटी, तो वो आ जाने वाली है फर्स्ट टाइम और बहुत दिनों बाद में मिलने वाला, बहुत दिनों बाद। तो अभी उनका वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये तो मिली नहीं, शादी के पहले ही वो आई थी हम लोग, बहुत पहले आई थी यार। हाँ हमनौर आई हुई बहुत पहले आई थी, तो अभी वो भी आने वाली है तो अच्छा काफ़ी लग रहा है क्योंकि फैमिली की पहली डॉक्टर है और कहीं ना कहीं एक लगाव है, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन फील्ड से हूँ तो अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा अपने घर का, अपने घर के चाहे कोई भी अगर पढ़ लिख के कुछ अच्छा करता है तो अच्छा लगता है। तो वो नीट क्वालिफाई किए तो बहुत प्राउड मुझे होता था जब भी मैं उसके बारे में देखता था या सुनता था। तो चलिए कोई नहीं, अभी वो आएगी तो उसका वेट करें हम लोग भी। बाकी गाइस अभी दौड़ के मार्केट से जाके, हाँ मार्केट से जाके उसके लिए स्वीट्स लाएं, वो भी स्पेशल स्वीट्स लाएं भाई, कि हमारी स्पेशल सी बहन आ रही है तो उसको स्वीट्स खिलाएंगे। और बाकी अभी बहुत अलग जैसे बंगाली मिठाई लिख खरीदे है, हाँ बंगाली मिठाई करते हैं, नहीं बिहारी तो वो जानती है बहुत सारा चीज़ वो खाई पी होगी, ऐसे भी तो बंगाल में ही रहती है, बंगाल में ही रहती है, वो रहती है सिलीगुड़ी में ही। तो चलिए कोई नहीं, अभी चलते सबसे पहले नीचे। और तितली हमारी सोई हुई है, तितली हमारी सोई हुई है और सभी गए हुए हैं। सोच रहे थे थोड़ा रील्स बनाने के, इतनी उमस से अभी भी, इतनी उमस से अभी 5 बज रहे शाम, बहुत ज़्यादा उमस से, बहुत गर्मी हो रही है। नहीं अभी थोड़ा सा पहले मौसम किया हुआ था बारिश का, बट बारिश हुआ नहीं, कहीं और बारिश हो गई इसीलिए थोड़ा सा। तो ये चाहती नहीं है कि बारिश यहाँ पर हो गाइस, हम लोग जहाँ जा रहे हैं बारिश हो ही नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं, हम जिस दिन आए बिहार में दो दिन तो ये बारिश, बहुत बारिश यहाँ पे भी आज, बारिश थोड़ा सा कपड़े वपड़े भी भाई सूखना जरूरी है। हाँ यही बात सही। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे और देखते बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी संध्या का कॉल आ गया कि भैया मैं आ चुकी हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसे लाने के लिए और निशा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मिलेगी, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगेगा, अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही वो खड़ी है। तो चलते हैं उसे रिसीव करते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये रही है हमारी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, चलो आ जाओ। ये हमारी डॉक्टर साहिब है, ये सरप्राइज है। ये भी उठ गई देख के। वाह वाह, बुआ के आती उठ गई बेटू आप। हेलो कौन है बेटे, कौन है ये तुम्हारे लिए? ये देखो तो बुआ, ये बेटू। मैं यहाँ स्पेंसर्स देखा तो मैं उतर गई। अरे ये देखो बुआ प्यारा सा आपके लिए गिफ्ट लेकर आई बेटू, है ना? लाइट जला। हमारी तितली को देख के, तितली एकदम बुआ को देख के इसका रिएक्शन देखो, तितली खुश हो गई है पूरा बहुत ज्यादा। ओए तितली, ओए तितली कौन है बुआ? तितली ये खुशी देखो, खुश है बहुत ज्यादा, है ना? ये वाला गंदा है बेटा, इसको हटा दो। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई सच में, मतलब मैं कितने सालों से सोच रहा था। हाँ यार प्यार अभी तो, और ये साइज के लिए इसने क्या किया,
गाइस ब्लॉग खोल के मतलब तुरंत से पता कि कितने मंथ की हुई है, सर्च किया फिर इसके लिए ड्रेस लेकर आएंगे। देखो तो बुआ कितनी तेज है। वेट टू तो गाइस गई थी शॉपिंग करने के लिए, साली जी भी आ गई हमारी यहाँ पर, देखिए क्या क्या लेकर आई है। लेकिन और ये खास चीज हमारी तितली को दी है, वाह मुर्गी है ना जी, एकदम आपकी कमी महसूस नहीं होने देगा, लेकर जाएंगे इसको घर हम। भाई ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दी उस पे। तुम्हारी ना बहन है मुंटी, तुम ही पर गई है। तो गाइस देखिए क्या क्या लेकर आए, रेन दिखाइए। वाह बहुत प्यारा कुर्ती है, काश मैं लड़की होता, मैं तो हूँ नहीं इसलिए आप पहनिए। कितना मिली हो? 200 रुपया, 400 रुपया, अच्छा दिया है। 20 रुपया में यार हम लोग ले, चलो भाई दुकान खोल दे, 9 रुपये में लगवा के। सही में कितना में दिया? अरे बता, हमको तो लग रहा है कि 250 या 350 में दिया होगा। 500-600 के पास होगा। नहीं कहाँ से ली वही, तुम बता कहाँ से लिया। गाइज ना बताए मत बताओ लोग, अच्छा लगा था लेकिन कतनों के होकर, चाहे 500 करोड़ के चाहे 5 रुपये के, जो चीज अच्छा लगे ठीक बा। क्या संदेहा, जो चीज अच्छा लगे वो सब सही। भाई साहब मुझे भी अच्छा लगा, तो कृपया आप ये दे दीजिए। गाइज हमको लगा कि एक ही है लेकिन ये देखिए कितना सारा था मुर्गा मुर्गी। कौन सा चाहिए बेटा? Which one? इसको पर्पल वाला ही चाहिए, पर्पल वाला ही चाहिए। रेड कलर का पहनी है ना इसीलिए, है ना तितली? नहीं ये पर्स। वाह वाह भाई वाह, साली जी तो आज एकदम पर्स। दादी ला चप्पल जियो, ऐसा पोती भगवान सबके दस, दादी के इतना सेवा करता रू तू। खाली फेंक रही हो, इतना शॉपिंग करके लिए लो, कै लाख रुपया लेके आ रू? 5 रुपया देख ला लग भाई। इसमें क्या है? इसमें ये उनका बैग है। अच्छा नहीं के कपड़ा होगा, अच्छा तो चलिए कोई नहीं, ये लोग बहुत सारा शॉपिंग किया है। चलिए और कुछ बा, कुछ खा ले लिया लोग हमने ला। वाह प्लेट लेके आओ, प्लेट लेके आओ मुंटी दीदी। ए शकुंतला दीदी तेने लेके आओ, था प्लेट है वो सीला लीला जाओ जो भी हो जल्दी से लेके आओ प्लेट। तो गाइस स्पेशल राइड्स के लिए ये लोग भी तैयार हो गए हैं। ओह माय गॉड बहुत मजा आने वाला है देखना, चलो काकू। तो गाइस संध्या कह रही कि बहुत मजा आ रहा है, मुझे मेरा फेवरेट राइड है, मेरे को बहुत अच्छा लगता, पूरा रात इसको घूमते रहो कोलकाता। और अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट, मार्केट में कहाँ जा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा वाला जबरदस्त वाला रेस्टोरेंट है, तो वहीं जा रहे हैं जो बहुत फेमस है यहाँ का, है ना जी सुना है ना वो रेस्टोरेंट। चलिए चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं द रेस्टोरेंट, जिसके बारे में बता रहा था कि बहुत ही नाम भी डिलीशियस है, मैंने सुना है बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में, बहुत लोगों से बड़ाई सुनी है ना जी। आज हम निशा और संध्या और हमारी तितली हम लोग सभी जा रहे हैं मस्त वहाँ पे खाएंगे आज, है ना बेटू? हाँ कोशिश करेंगे कि मामू भी आए इसके। ओके तो गाइज ये है वो डेसीलिशियस, आज हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। हेलो तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का ये, ओह माय गॉड बहुत ही खूबसूरत है ये। थैंक यू। तो ये शायद दादा की मम्मी, दादा को कॉल करो। तो गाइस गौर से देखिए, पहचानिए इस शख्स को, ये कौन है? ही इज द ओनर और बहुत ही प्यारा आपका रेस्टोरेंट है। तो आज हम लोग सरप्राइज देने चले हैं, देखिए गाइस बहुत खूबसूरत, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, तो अभी निशा ये तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, है ना, टूर करूंगा मैं यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत दिखी यहाँ पे। वाह और तितली का तो फेवरेट है, कोई हम भी है यहाँ पे। हेलो तितली, साले साहब भी आ चुके बॉस, शिशुवन भाई।
ननद अच्छा हम लोग कल बात भी कर